हे फ्रेंड्स वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक कैसे हो आप सभी आई होप अच्छे हो गए प्रेपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हो गे, इन सेशंस को रेगुलरली देख रहे हो और अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वो पे खास तौर पे वर्क कर रहे होगे क्योंकि तो ये सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस एग्जाम के लिए प्री में तो इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता ही है मेन्स एग्ज़ाम में भी काफ़ी जो मीनस का जो इंग्लिश सेक्शन होता है वो बहुत हद तक इन तीन सेक्शंस रीडिंग uh, पे कॉम्प्रिहशन पे एंड वो कैबलरी पर डिपेंड करता है तो आई होप कि आप अच्छे तरह सेशंस को देख के अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो कैप पर वर्क कर रहे हो तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विल स्टार्ट विद वो और जो पहला वर्ड है हमारा वो है वडिसम एडजेक्टिव है देखो वडिसम में क्या वडी वर्ड में आ, ही इंक्लूड है वडिसम में तो वडिसम क्या हो सकता है ऐसी आ, कोई चीज जो वरी दे एंजाइटी दे आ, कंसर्न दे हमें चिंता दे तो

जो डिस्कवाइटिंग है ये भी सेम है ये भी तुम्हारा वरी एंड एंगजाइटी शो करता है जो वैक्सीसियस है ये इन एडिशन टू सोइंग वरी ये अनोयंस भी शो करता है ठीक है अब एंटेनिम्स देख ले तो एंटेनिम्स हमारे हार्टनिंग है एंड अपलिफ्टिंग है हार्टनिंग एंड अपलिफ्टिंग दोनों ही इनक्रेजमेंट देने वाले कुछ ऐसी चीज जो इंकरेज करे आपको जो कॉन्फिडेंस दे होपफुल बनाए हार्टनिंग क्या होता है जो आपको होप दे कॉन्फिडेंस दे ठीक है अपलिफ्टिंग भी वही है इनकरेजमेंट ठीक है तो इसीलिए ये दोनों वर्ड्स जो है ये वर्ड uh, इसम के एंटेनिम्स हो गए जो सेकेंड वर्ड हमारा है वो है अंडरलाइन वर्क की फर्स्ट फॉर्म है अंडरलाइन करना मतलब जैसे हम बुक्स में करते हैं हम बुक्स पढ़ रहे हैं हमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो हम कैसे उसको लाइन कर देते हैं अंडरलाइन कर देते हैं मार्कर से मार्क कर देते हैं हाईलाइट कर देते हैं तो इसीलिए अंडरलाइन हाईलाइट स्ट्रेस इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है एम्फोसाइज करना कि जो चीज़ हाँ के बारे में बात की जा रही है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बुक्स में उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करते हैं उन्हीं चीज़ों को अंडरलाइन करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है ठीक है उसी सेंस में इसको भी देखो तो जो अंडरलाइन वर्ड है कहीं पे भी लिखा हो अंडरलाइन लिखा हो स्ट्रेस लिखा हो तुम्हारा हाईलाइट लिखा हो उसका मतलब होता है कि शो करना चाह रहा है कि वो चीज इंपॉर्टेंट है और उस पर इम्फेसिस डालना चाह रहा है ठीक है एंड क्या होंगे इसके अंडरस्टेट एंड डाउन प्ले अंडरस्टेट एंड डाउन प्ले का मतलब होता है कि चीज इंपॉर्टेंट है बट उसको ऐसा दिखाना कि इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी इंपॉर्टेंस को कम करना तो ये दोनों वर्ड सिमिलर मीनिंग के हैं अंडरस्टेट का भी मतलब वही होता है और इंपॉर्टेंस कम दिखाना डॉन्ट्ले का मतलब भी वही होता है इंपॉर्टेंस कम दिखाना थर्ड इज अर्नेस्ट एडजेक्टिव मतलब वेरी सीरियस एंड सिंसियर सब मध्य कोई एफर्ट्स हम लगा रहे हैं किसी काम में बहुत सिंसियर एफर्ट्स लगा रहे हैं बहुत सीरियसली वर्क कर रहे हैं तो उन एफर्ट्स को जो बहुत सीरियस वे में लगाए जा रहे हैं बहुत सिंसियर वे में किए जा रहे हैं उनको हम कहते हैं अर्नेस्ट डिलीजेंट भी कहते हैं और डिलीजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड भी है डिलीजेंट किन एफर्ट्स को कहेंगे जिन एफर्ट्स को काफ़ी केयरफुली लगाया जा रहा है बहुत ध्यान दे के बहुत केयरफुली बहुत हार्ड वर्क से तो अगर काम किया जा रहा है तो इन एफर्ट्स को हम डिलीजेंट कहते हैं फोकस्ड भी कहते हैं फोकस्ड यू नो आपका फोकस उस चीज़ पर है पूरा अटेंशन आप उस पर दे रहे हो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो ठीक अब एंटेन्स क्या है परफंक्ट्री कर्जरी परफंक्ट्री क्या होता है कोई चीज़ जो बिना एफर्ट के की गई है बिना केयर के की गई है बस करना था सो कर दिया कोई एफर्ट नहीं लगाया ना मन था मेरा करने का बट हाँ कहा गया है कर दो तो कर लेते हैं उस तरह से तो उसको कहते हैं परफेंटरी कर्जरी क्या होता है कोई चीज़ बहुत जल्दीबाजी में की गई है कि हाँ बस मुझे निपटाना है इसको तो कैसे भी कर दो बिना केयर किए बिना एफर्ट डाले रियल एफर्ट डाले उसको कर्सरी कहते हैं तो परफेंकट्री एंड कर्सरी दोनों का आप मतलब ये समझना कि कोई चीज़ अच्छे से नहीं की गई है ऑनेस्ट डिलीजेंट एंड फोकस्ड का मतलब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है केयर किया गया है सिंसियर एफर्ट्स लगाए गए हैं वहीं अगर पर फंक्ट्री लिखा है कर्जरी लिखा है मतलब जल्दीबाजी में किया गया है अच्छे से नहीं किया गया है फोर्थ इज़ आइसोलेट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आइसोलेट करना बाकी चीज़ों से अलग कर देना बाकी लोगों से अलग कर देना क्लूड कर देना क्वारंटीन कर देना दोनों का ही मतलब वही होता है सक्लूड भी क्या होता है अलग किसी चीज को अलग रखा गया है quarantine भी सेम मीनिंग का होता है अलग रखा गया है एंटेम्स इसके इनकॉर्पोरेट इंटीग्रेट इनकॉर्पोरेट क्या होता है इंक्लूड करना मिलाना मर्ज करना कंबाइन करना इंटीग्रेट भी वही होता है सेम मीनिंग का अगर आप किसी चीज को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो दूसरे चीज में इंटीग्रेट कर रहे हो दूसरे चीज में मतलब उसमें आप इंक्लूड कर रहे हो मिक्स कर रहे हो फाइव इज हार्डलाइन एजेक्टिव है हार्डलाइ हार्डलाइन uh, क्या होता है एक्सट्रीम एंड सीवियर एंड नॉट लाइकली टू चेंज स्पेशली ये आइडियोलॉजी के लिए हम यूज़ करते हैं आइडियाज़ के लिए यूज़ करते हैं अगर किसी की आइडियोलॉजी अगर किसी की आइडियाज़ काफ़ी एक्सट्रीम है काफ़ी सीवियर है अनचेंजिंग है वो पर्सन बस उन आइडियाज़ पे ही डटा रहना चाहता है चेंज नहीं करना चाहता सामने वाले के आइडियाज़ को बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता बिल्कुल भी मानना नहीं चाहता तो उस एटीट्यूड को उस आइडियोलॉजी को हम हार्डलाइन कहते हैं उस अप्रोच को हम हार्डलाइन कहते हैं स्ट्रिक्ट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इसके सेंटनम्स होते हैं स्ट्रिक्ट किस सेंस में स्ट्रिक्ट काफ़ी मान ही नहीं रहा है सामने वाले की बात अनकॉम्प्रोमाइजिंग देखो कॉम्प्रोमाइज़ हम कब करते हैं हमारे खुद के आइडियाज़ हैं सामने वाले के आइडियाज़ हैं हम दोनों के आइडियाज मैच नहीं कर रहे हैं हम दोनों ही चाहते हैं कि हमारे आइडियाज मतलब इम्प्लीमेंट हो तो हम क्या करते हैं कॉन्फ्लिक्ट uh, अवॉइड करने के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ठीक है झगड़ा ना हो जाए हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि ठीक है थोड़ा सा मेरा आइडिया थोड़ा सा तुम्हारा तुम्हारा मिला के कोई नया बनाते हैं ठीक है थोड़ा थोड़ा सा सा भी भी रहेगा रहेगा मेरा दोनों की बात मान ली जाएगी बट जो हार्डलाइन एटीट्यूड वाला इंसान होता है वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का भी होता है मतलब वो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहता उसको बस अपना आइडिया अपनी आइडियोलॉजी ही सबसे करेक्ट सबसे राइट right लगती है एंटोनिम्स क्या होंगे इसके फ्लेक्सिबल एंड कोऑपरेटिव फ्लेक्सिबल इज समवन जो कि चेंज हो जाता है ठीक है अगर उसके खुद के आइडियाज़ हैं उसके खुद के बिलीफ है पर बट अगर सामने वाले की आइडियाज अच्छी है बिलीफ सही है तो वो उनको भी सुनता है मानता है अपने आइडियाज़ को चेंज करता है उस तरह के पर्सन को हम फ्लेक्सिबल कहते हैं कोऑपरेटिव एज यू ऑल नो जो कोऑपरेट करे मिलजुल के काम करे कोऑपरेशन शो करे सिक्स्थ इज सेंटिमेंट नाउ सेंटिमेंट क्या होती है कोई फीलिंग है कोई आइडिया है कोई ओपिनियन है बेसिकली वो जो इमोशंस पे बेस्ड है अगर किसी चीज़ को लेके हमारे हैप्पी इमोशंस हैं उस चीज़ को देख के हम खुश हो जाते हैं हमारे अंदर प्लेजर हैप्पीनेस आता है तो हमारा सेंटिमेंट पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा पॉजिटिव फीलिंग होगी हमारा ओपिनियन भी पॉजिटिव होगा बट अगर कोई दूसरी ऐसी चीज़ है जिसको देख के सुन के हम दुखी हो जाते हैं गुस्सा आता है हमें नाराज हो जाते हैं तो जो सेंटिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे नेगेटिव सेंटीमेंट होंगे नेगेटिव फीलिंग एंड ओपिनियन होगा हमारा एटीट्यूड भी इसी को कहते हैं एटीट्यूड क्या होता है ओपिनियन फीलिंग व्यू पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारा स्टांस भी वही होता है व्यू पॉइंट एंड पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं उसको पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं उसको एंड इसके हो गए इग्नोरेंस एंड इनसेंसिटिविटी इग्नोरेंस इज अनअवेयर ऑफ बींग समथिंग हम अनअवेयर है हमें उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है तो फिर कोई सेंटिमेंट ही नहीं बनेगा कोई ओपिनियन ही नहीं बनेगी क्योंकि ओपिनियन फीलिंग्स तो हम उस चीज़ की बता बनाते हैं ना जो जिसको हमने एक्सपीरियंस किया है जिसको हमने देखा है सुना है जिसके बारे में हम अवेयर हैं इनसेंसिटिविटी क्या होती है लैक ऑफ केयर हमें मतलब ही नहीं उस चीज़ से हम इनसेंसिटिव है हमारे अंदर कोई इमोशन नहीं आता है उस चीज़ को देख के हम कुछ भी फील नहीं करते हैं तो ये दोनों वर्ड्स क्या है एंटेनिम्स हो गया सेवन इज क्रिटिकल एजेक्टिव है मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज़ अगर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में उसका काफ़ी ज़्यादा रोल है काफ़ी ज़्यादा वो अफेक्ट करेगी चीज़ों को तो वो क्रिटिकल हो जाती है वो पैरा माउंट हो जाती है वो पेवटल हो जाती है एंड है इसके ट्रिवियल इन कॉन्सिक्वेंसियल ट्रिब्यल इज समथिंग विच इज अन्पॉर्टेंट ठीक है इनरेलीवेंट इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं है ठीक है एडिशनल है जरूरत नहीं है उस चीज़ की तो उसको हम कहते हैं ट्रिव्यूअल इनकॉन्सिक्वेंसियल वो चीज होती है जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आगे इन एसेंस uh, वो अन है माइंडफुल इज माइंडफुल का मतलब होता है कि आप किसी चीज को लेके कॉन्सियस हो अवेयर हो उस चीज को जानते हो देखा है सुना है उसके बारे में कॉग्निजेंट एंड हीटफुल भी वही होता है सेम मीनिंग कन्वे करते हैं कॉग्नीजेंट इज समिंग आप आपके पास कॉग्निजेंस है कॉग्निजेंस क्या होता है अवेयरनेस नॉलेज हीटफुल क्या आप उस चीज को लेके Uh, उस चीज को कंसीडर करते हो उस चीज को लेकर के आप केयरफुल हो तो वो होता है हीट फूड होंगे आपके ऑब्लीवियस इन अटेंटिव ऑब्लीवियस इज समवन हु इज अनअवेयर ठीक है इन अटेंटिव जो अटेंशन दे ही नहीं रहा जो ध्यान दे ही नहीं रहा ठीक है हीडलेस है जो नाइन्थ वर्ड इज एंगस्ट एंगस्ट इज नाउन एंगस्ट क्या होती है ग्रेट वरी फीलिंग ऑफ ग्रेट वरी बहुत ज़्यादा चिंता की जो फीलिंग आपके अंदर है वो चिंता किसी सिचुएशन की हो सकती है आपके लाइफ को लेकर आपको चिंता हो सकती है तो उसको एंगस्ट कहते हैं ट्रेपिडेशन मिसगिविंग्स भी सेम है किसी सिचुएशन को लेके जो चिंता वाली जो वरी वाली जो एंग्जाइटी वाली जो फीलिंग आती है उसको ही कहते हैं हम एंगस्ट एन क्या कॉन्फिडेंस एंड एक वी एक कॉन्फिडेंसिस क्या होते हैं कि कॉन्फिडेंस इज़ यू हैव द बिलीव कि सब कुछ ठीक होगा बिकॉज यू आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स द राइट वे तो जहां पे कॉन्फिडेंस होता है वहां पे वरी नहीं होगा बिकॉज आप में एक बिलीफ है वरी कब होता है जब अनसर्टेनिटी होती है जब आपको पता नहीं होता है क्या होगा पर जब आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपको पता है, तो पता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में है तो आप आउटकम को कंट्रोल कर सकते हो तो इसीलिए कॉन्फिडेंस एंटनिम होता है एग्स का ट्रेपिडेशन का एंड मिस गिविंग का एक है एक ये होता है इसको इस होता है कूलनेस काम मतलब चीजें मे भी सिचुएशन सम हो मे भी सिचुएशन ऐसा हो जो चिंता जिसमें होनी आ, लाजमी है बट फिर भी आप कूल cool हो आप काम हो कलेक्टेड हो कंपोज हो अपने इमोशंस पे आपने बिल्कुल कर, बिल्कुल ही कंट्रोल कर रखा है तो उस स्टेट को हम कहते हैं एक ठीक है क्लियर टेंथ इज टैकलिंग ठीक है वर्ब की आई एन जी फॉर्म है टैकलिंग क्या होता है टैकल करना टैकल किस चीज़ को हम करते हैं कोई प्रॉब्लम है कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको हम टैकल करेंगे क्यों क्योंकि हमें उस प्रॉब्लम से डील करना है एफ़र्ट्स लगा के तो अगर हम एफ़र्ट लगा रहे हैं किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन या प्रॉब्लम से डील करने के लिए तो उसको हम कहते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं हम उस सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं हम उस सिचुएशन को कॉम्बैट कर रहे हैं तो कॉम्बैटिंग और हम उस सिचुएशन को बैटल कर रहे हैं तो बैटलिंग भी आता है ये तीनों वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं अब अवॉयडिंग एंड डॉजिंग का मतलब क्या होता है बचना ठीक है उससे बचना उसको कन्फ्रंट नहीं करना उसको टैकल नहीं करना कम्बैट नहीं करना उसको बैटल नहीं करना उससे तो इसीलिए अवॉइडिंग डॉजिंग एंटेनिम है इलेवन एस वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है जो हम सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं एस और ई एस वाली फॉर्म है ये ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ब की है सिंगुलर मतलब एस ई एस वाली फॉर्म है तो एक्सप्लॉयट्स से तो मतलब क्या होता है किसी पर्सन या सिचुएशन को एज एन अपॉर्चुनिटी देखना कि उससे आपको फायदा हो सकता है उसमें बेनिफिट हो सकता है तो उस चीज को कहते हैं यानी आप उस पर्सन को उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हो मतलब आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हो और उससे मैक्सिमम एडवांटेज मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हो उसको और क्या कहते हैं लेवरेज कहते हैं और हार्डनेस कहते हैं है एंडस्टेंस एप्सटेंट मतलब बचना मना करना दूर रहना उस चीज़ से रिफ्यूज़ करना मतलब मना कर देना तो दोनों ही सेंस में क्यों एंटर बन रहा क्योंकि आपने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी आपको मिली होगी बट आपने उसको नहीं यूज़ किया रिफ्यूज कर दिया इसीलिए ट्वेल्थ स्टॉलिंग वर्ब की आई एन जी फॉर्म में स्टॉल करना मतलब होता है डिले करना कोई चीज़ प्रोग्रेस कर रही है ठीक है तो आप चाहते हो कि प्रोग्रेस ना करे उसका प्रोग्रेस रुक जाए तो उसको कहते है, करना। करना, Imped same, uh, हैं स्टॉल करना स्टॉल करना मतलब प्रोग्रेस को रोकना प्रोग्रेस को डिले करना हिंडल करना हिंडरिंग एंड इम्पीडिंग इम्पीड करना सेम मीनिंग कन्वे करता है हिंडल करना मतलब प्रिवेंट करना किसी चीज को ग्रो करने से डेवलप होने से इंपीड करना भी वही होता है प्रिवेंट करना ग्रो करने से डेवलप करने से इसके एक्सपीडाइटिंग एंड फर्दरिंग अब एक्सपीडाइटिंग क्या होता है एक्सपीडाइट करना मतलब कि स्पीड बढ़ा देना परसिपिटेट होता है कैडलाइज भी होते हैं मतलब कि जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है उसकी स्पीड आपने बढ़ा दी उसकी हेल्प कर दी उसको असिस्ट कर दिया कि वो और तेज़ी से ग्रो करे और तेज़ी से डेवलप हो फर्दर करना उसको हेल्प करना कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो आगे वो और बढ़े तो इसीलिए दोनों वर्ड्स एंडनिम्स हैं एक एडीएम है डार्क हॉर्स डार्क हॉर्स हम उस चीज़ को करते हैं कहते हैं जो कि जिससे हम उम्मीद नहीं लगाते हैं कि वो जीतेगा

ऐसे एक्शन लगाए जा रहे कि हार्मफुल हो रहा है उसके लिए उसको डैमेज हो रहा है तो उसको कहते है, ठीक है? चलो। आगे हैं, हैं। टेक का, आर्टिकल का टाइटल, है, ठीक है, टाइटल दिया है आ, किस पे है आर्टिकल और सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है एक डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है जिसको पहले पढ़ो खुद से समझो फिर उसके बाद ये पहला पैराग्राफ है इसको पढ़ना है आपको खुद से पढ़ना है पहले फिर हम तो साथ में डिस्कस करेंगे ही लेकिन पहले आप एक बार खुद से पढ़ो ये सेकंड वाला है इसको भी पढ़ो ये थर्ड है ये लास्ट है पॉज कर करके पढ़ लेना आप कुछ आरसी के क्वेश्चंस भी है जो इन इस पैराग्राफ इस आर्टिकल पे बेस्ड है आर्टिकल आपने पढ़ा है अब कोशिश करो कि आपने पढ़ के जो समझा क्या उसके बेसिस पे आपसे ये क्वेश्चंस हो जा रहे हैं ये पहला क्वेश्चन है ये सेकंड है ये थर्ड है ठीक है अब हम आते हैं अपने रीडिंग पे ठीक है चलो क्या लिखा है हॉलो मिडल टाइटल ऑन द रीजनल इलेक्शन रिजल्ट इन जर्मनी जर्मनी में जो रीजनल इलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट क्या है उस पर आर्टिकल द ग्रोइंग एंटीब्लिशमेंट मूड इन जर्मनी इज कि जो बढ़ता हुआ मूड है कैसा मूड एंटीब्लिशमेंट मूड है जो बढ़ रहा है जर्मनी में वो चिंता की बात है ठीक है एंटी इस्टैब्लिशमेंट क्या होता है मतलब जो मूड है मूड किसको कहते हैं मतलब जो फीलिंग्स अभी है जो एटीट्यूड है सब में वो कैसा है वो एस्टैब्लिशमेंट के एंटी मतलब अगेंस्ट है अब एस्टैब्लिशमेंट मतलब जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट है तो ये जो फीलिंग्स आ रही है नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है अथॉरिटी को लेके जर्मनी में जो नेगेटिव मूड बना हुआ है ओपिनियन बना हुआ है अथॉरिटी को लेके जर्मनी में वो विसम है वो वडी कॉज करता है वो चिंता की बात है The regional elections in the eastern German states of Thuringia and Saxony, Brandenburg goes to the polls on September 22, have captured attention because of the rise of the alternative for Germany, the far right party with neo Nazi roots. अब देखो ऑथर ने क्या बताया कि अभी रीजनल इलेक्शन हुए कहाँ हुए हैं ईस्टर्न जर्मन स्टेट्स में हुए हैं जो कौन कौन से स्टेट्स है थुरिंजिया एक स्टेट है एक सैक्सनी है एक और स्टेट है ब्रांडनबर्ग तो उसमें इलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि वो पोल्स को जाएगा मतलब उसमें इलेक्शन कब होगा सेप्टेम्बर ट्वेंटी टू में होगा ठीक है बट दो में हो गए ईस्टर्न दो स्टेट्स में हो गए थ्रंजिया में और सैक्सनी में और ये जो इलेक्शन हुए हैं ये इन्होंने अटेंशन कैप्चर कर लिया है मतलब सब लोगों का अटेंशन जो है इन इलेक्शन पर चला गया है मतलब चर्चा का विषय बन गए हैं टॉपिक बन गए हैं कॉन्वर्सेशन का ये इलेक्शन क्यों बन गए हैं क्योंकि राइज हुआ है इलेक्शन में देखा गया है ऐसा कि राइज हुआ है ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ए पार्टी का जो कि एक फार डाइट पार्टी है जिसके नियोनाजी रूट है ठीक है कैसी पार्टी है फार डाइट पार्टी है विथ नियोनाजी रूट मतलब नाजी जो आइडियोलॉजी है उस पे बेस्ड इनका काम है ठीक है अब देखो फार डाइट right क्या होता है आपने तो पर, जानते ही हो गया आप लेफ्ट विंग होता है राइट विंग होता है लेफ्ट साइड राइट साइड होता है थोड़ा मैं बता देता हूँ कि क्या होता है थोड़ा आपको कॉन्टेक्ट मिलेगा कि मतलब समझ में आ जाएगा ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसमें कि राइट right विंग क्या होते हैं लेफ्ट विंग क्या होते हैं देखो लेफ्ट विंग जो होता है वो वो ग्रुप uh, होता है जो कि चेंज चाहता है जो कि इक्वालिटी के लिए वर्क करता है उसकी आइडियोलॉजी क्या है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले स्पेशली उन लोगों को जिनको अभी तक नहीं मिल रहा था जो जिन जो अनफेयरली ट्रीट किए जा रहे थे जो डिसएडवांटेज थे ठीक है तो ये इक्वालिटी चाहते हैं फ्रीडम चाहते हैं हर किसी को हक हो बोलने का जो राइट right विंग होता है ठीक है वो फोकस करता है अथॉरिटी पे हाइडार्टी पे उसकी आइडियोलॉजी ये रहती है कि जिसने मेहनत की है ठीक है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है उसको सब मिलेगा उसको उसके पास होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए तो ये कहता है राइट right विंग ये चेंज नहीं चाहते लेफ्ट विंग चेंज करना चाहते हैं सब जो uh, चीज़ें वो सबके लिए इक्वल करना चाहते हैं राइट विंग होता है वो वो चेंज नहीं करना चाहता वो चाहता है कि जो चीज़ें जैसे चल रही है पे बेस्ड वैसे चलती रहे अब जो ये ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी है ये फार राइट पार्टी है अब फार राइट का मतलब क्या होता है कि फार राइट right चली गई मतलब एक्सट्रीम साइड पे चलेगी मतलब कि अपनी बात अब जैसे देखो राइट विंग क्या करती है वो चीज़ों को चेंज चीज़ नहीं करना चाहती वो चाहती है कि जैसे जो लोगों के पास जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो लोग मेहनत कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है उनके पास होनी चाहिए पावर उनके पास होना चाहिए अथॉरिटी इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्स है ठीक है जिनके पास रिसोर्सेज है वो तो ऑलरेडी उनका यूज करके आगे बढ़ते जाएंगे अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है जो अथॉरिटी है वो उन्हीं लोगों के पास रहेगी हमेशा क्योंकि देखो हार्डवर्क ही हमेशा हार्डवर्क एक फैक्टर होता है बट हार्डवर्क के साथ आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए अब जिस सेक्शन uh, के पास रिसोर्स है ही नहीं वो आगे कैसे बढ़ेगा और लेफ्ट विंग यही चाहता है कि उन तक भी रिसोर्स पहुंचा जिनके पास नहीं था अभी तक जिनको अनफेली ट्रीट किया जा रहा था ठीक है जो फार डाइट है वो क्या होता है वो एक्सट्रीम वे में लेके चले गए कि नहीं वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते वो चाहते कि वो मानते हैं कि हमारा जो तरीका है वही सही है हम जो चाहेंगे जिनके पास होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास ही होनी चाहिए जो पावरफुल है जो रिच है जो हमारे जैसे है उनके पास ही होना चाहिए और जो फारडाइट होता है ये मतलब कि In, मतलब ये किसी भी बहुत आगे हद तक जा सकते हैं अपने आइडियोलॉजी को मनवाने के लिए तो ये पार्टी कैसी है ऑल्टरनेटिव जर्मनी पार्टी है फार राइट पार्टी है ठीक है और इसके नाजी आइडियोलॉजी से इसका कनेक्शन है द रिजल्ट अंडरलाइन एन अनमिस्टेकेबल ट्रेंड इन जर्मन पॉलिटिक्स जो रिजल्ट आए हैं इन इलेक्शंस में वो अंडरलाइन कर रहे हैं वो इम्फोसाइज कर रहे हैं स्ट्रेस कर रहे हैं दिखा रहे हैं बढ़ा चढ़ा के क्या दिखा रहे हैं कि एक बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखा रहे मतलब कि वो चीज़ है वहाँ पे सबका अटेंशन वहाँ पे लेके आ रहे हैं ठीक है बढ़ा चढ़ा के दिखाना मतलब तो वो अलग चीज़ हो गया हो गया एक्जैक्ट जनिजन इंपॉर्टेंट है नहीं बट इम्पॉर्टेंट दिखा रो बट यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट है इसीलिए दिखाई जा रही है वो ये है तो द रिजल्ट अंडरलाइन करती है क्या अन एक अनमिस्टेकेबल ट्रेंड है ट्रेंड क्या होता है चीजें किस तरफ मूव कर रही है तो जर्मन पॉलिटिक्स में चीजें कुछ एक तरफ से एक चेंज आ रहा है जर्मन पॉलिटिक्स में अनमिस्टेकेबल चेंज है मतलब वो मिस नहीं कर सकते हो वो क्या है ए एफ डी डिस्पाइट अर्नेस्ट एफर्ट्स बाई स्टेब्लिशमेंट पार्टीज टू आइसोलेट इट इज ऑन द असेंट ए एफ डी है इज ऑन द असेंट बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है ग्रो करती जा रही है डिस्पाइट इसके बावजूद किसके बावजूद बहुत ही अर्नेस्ट एफर्ट्स लगाए हैं पार्टीज ने डी को आइसोलेट करने के लिए मतलब कि पॉलिटिकल पावर से दूर करने के लिए बाकी पॉलिटिकल पार्टी से अलग करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं उन एफर्ट्स के बावजूद ए आगे बढ़ रही है ठीक है और यही चीज ये यह रिजल्ट शो भी करती है जो दो स्टेट्स में हुआ इलेक्शन उसमें रिजल्ट यही चीज शो भी करता है कि ए एफ डी बड़ा कर रही है पॉप्यूलैडिटी पौपुला, में क्लासिफाइड एज एक्सट्रीमिस्ट बाय डोमेस्टिक इंटेलिजेंस डोमेस्टिक इंटेलिजेंस ने ए एफ डी पार्टी को क्लासिफाई किया है क्या बताया है कैटेगराइज क्या किया है कि एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है मतलब एक्सट्रीम वे में चीजें करती है जैसे मैंने आपको बताया जैसे फॉलराइट पार्टी जो होती है वो क्या करती है कि किसी भी हद तक बहुत एक्सट्रीम वे में जा सकती है अपनी बात मनवाने के लिए तो एक्सट्रीमिस्ट है The AFD emerged as the largest vote getter in Thuringia with 32.8% votes. So AFD कैसे हुई largest vote getter बनके उबड़ी Thuringia में 32.8% votes मिले and finished second in Saxony. Saxony में second आई second largest number of votes इसको मिले कितना मिला 30.6% vote मिला. Formed in 2013, AFD जो थी 2013 में form की गई थी.

जो इमीग्रेशन का जो इश्यू है जर्मनी में उसके तरफ एक हार्ड लाइन नेशनलिस्ट अप्रोच लेके हार्ड लाइन मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट नेशनलिस्ट मतलब कि जहाँ तक इमीग्रेशन का सवाल है तो जो नेशनलिस्ट होता है जो अप्रोच क्या होती है कि जो नेशन के कंसर्न्स हैं वो ऊपर रखती है बाकी नेशंस के ठीक है तो नेशनलिस्ट क्या है वो ऐसे अप्रोच को कहते हैं जिसमें एक पर्सन अपने नेशन को ज़्यादा बेटर समझता है और नेशन के ही बेटर वेलफेयर के लिए वर्क करता है तो इमिग्रेशन को लेके कैसा अप्रोच है इनका ए का नेशनलिस्ट अप्रोच है कि जहाँ तक इमिग्रेशन का सवाल है तो हम पहले अपने नेशन को देखेंगे ठीक है अपने नेशन के लिए वर्क करेंगे और कैसे करेंगे बहुत ही हार्ड लाइन वे में मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में हमें किसी की बात नहीं सुननी है ठीक है हमने जो मान लिया है सो मान लिया वो ठान लिया है हमने तो ये दोनों चीज़ करके एक तो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट इस्टेबलिशमेंट uh, को अपोज करके अटैक करके दूसरा कि एक हार्डलाइन नेशनलिस्ट अप्रोच लेके इमिग्रेशन के लिए इसने अपना बेस बना लिया है पॉपुलरिटी बना ली है ए ने द रीजन एंड जस्टिस अलायंस अ लेफ्टेस्ट नेशनलिस्ट पॉपुलिस्ट अपल्सो नोन एज द सहरा वांग ने अलायंस बी एस डब्ल्यू इमर्ज एज अ डार्क हाउस विथ फिफ्टीन पॉइंट एट परसेंट वोट इन थ्रू इंडिया एंड एलेवन पॉइंट एट परसेंट इन सैक्सनी अब यहाँ पे एक आ, आ, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है कि उसने कैसे परफॉर्म किया इलेक्शन में तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है रीजन एंड जस्टिस अलायंस है कैसे यह लेफ्टेस्ट है जैसे मैंने अभी बताया जो लेफ्ट आ, होते हैं वो कैसे होते हैं इक्वालिटी प्रमोट करते हैं फ्रीडम ठीक है चेंज नेशनलिस्ट भी है नेशन के लिए भी वर्क करती है और पॉपुलिस्ट है देखो नेशनलिस्ट का तो मतलब आप समझ गए तो नेशंस के कंसर्न को ऊपर रखता है अपने नेशन के कंसर्न को ऊपर रखता है प्रायरिटी अपने नेशन को देता है पॉपुलिस्ट वो होता है जो कि कॉमन पीपल के लिए वर्क करे कॉमन पीपल के क्या आम लोगों के क्या इश्यूज है क्या उनके आ, वरीज़ uh, हैं क्या उनके डिमांड्स हैं नीड्स हैं उनके लिए उनकी बात रखता है उसको कहते हैं पॉपुलिस्ट तो ये एक लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट पॉपुलिस्ट पार्टी है रीजन एंड जस्टिस अलायंस जिसका नाम सहारा वांग वागेंट अलायंस बी एस डब्ल्यू बी है ये एक डार्क हॉर्स बन के उभरी मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इनको अच्छा वोट मिलेगा बट काफ़ी अच्छा वोट मिला इनको फिफ्टीन पॉइंट एट परसेंट वोट थ्रंजिया में मिला एन एलेवन पॉइंट एट परसेंट आपको कहाँ मिला सेक्सनी में मिला the party which opposed germany's continued military assistance for ukraine and campaigned for better social protection for workers and tougher laws to control immigration finished third तो so, ये पार्टी जिसने जर्मनी जो मिलिट्री असिस्टेंस दे रहा था यूक्रेन को उसको अपोज किया था मतलब पार्टी अगेंस्ट थी पार्टी चाहती थी ये बी एस डब्ल्यू की जर्मनी ना दे इतना मिलिट्री असिस्टेंस यूक्रेन को और इसी बी एस डब्ल्यू पार्टी ने कैंपेन भी किया था वर्क भी किया था कि वर्कर्स को बेट ज़्यादा अच्छा सोशल प्रोटेक्शन मिले और इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए टफ लॉज स्ट्रिक्ट लॉज ले लेके आया जाए तो इस पार्टी ने थर्ड किया इलेक्शन रिजल्ट में The the strong strong showing of the AFD and the BSW points to growing anti-establishment sentiment. Strong performance parties AFD का और BSW का ये क्या point out, कर रहा, है? ये point out ये कर रहा है कि अभी जो sentiment बना हुआ है country में जर्मनी में जो फीलिंग्स है वो कैसी है एंटी स्टैब्लिशमेंट है मतलब लोग स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट है तभी तो इन दोनों को वोट कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों क्या है स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट पार्टीज हैं ये जो स्टैब्लिशमेंट को अथॉरिटी का अपोज करती है जो अथॉरिटी में भी है तो इस सेंटिमेंट कैसा बना हुआ है अभी एस्टेब्लिशमेंट की अगेंस्ट बना हुआ है ठीक है समझ में आ गया वाइल चांसलर ओलाफ स्कॉल सोशलिस्ट फिनिश्ड फिफ्थ इन थुरेंजिया विद 6.1 परसेंट वोट एंड फोर्थ इन सैक्सनी विद 7.3 वोट्स हिज कोलिशन पार्टनर्स The Greens and the pro-market, free Democratic Party fared worse. अब यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी की बात हो रही है कि जो चांसलर Olaf स्कॉल्स की सोशलिस्ट पार्टी है वो थुरिंगिया में फिफ्थ पोजीशन पे रही ठीक है 6.1 परसेंट वोट मिला सैक्सरी में फोर्थ रही 7.3 परसेंट वोट मिला उनके जो कॉलिटिसन पार्टनर्स हैं जो चांसलर ओलव स्कॉल की सोशलिस्ट पार्टी के जो पॉलिटिशन पार्टनर्स थे ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी इन्होंने तो और बेकार परफॉर्मेंस दिया मतलब सोशलिस्ट ने तो का परफॉर्मेंस तो पुअर रहा ही सेवन पॉइंट परसेंट वोट सिक्स पॉइंट वन परसेंट वोट्स मिले पर इनके जो पार्टनर्स थे इनका परफॉर्मेंस और ज्यादा खराब रहा द कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स वॉज द ओनली स्टैब्लिशमेंट पार्टी डैट डिड वेल अगर इस्टैब्लिशमेंट पार्टी की बात करें तो एक ही पार्टी स्टैब्लिशमेंट पार्टी ऐसी थी जिसने अच्छे परफॉर्म किया वो थी कंजरवेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स ठीक है तो यहां पे भी पार्टी का ही परफॉर्मेंस की बात की है ऑथर ने हाँ ये चीज सो हो रही है कि अभी जो सेंटिमेंट चल रहा है नेशन में वो स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट है इस जो हमें दिखा भी है ए और बी डब्ल्यू के अच्छे जो परफॉर्मेंस रहा है उससे डिस्पाइट द इंजर रिजल्ट द ए इज अनलाइकली टू फॉर्म द गवर्मेंट एज नो पार्टी इज विलिंग टू ज्वाइन अलिशन लेट बाई इट अब देखो थ्रुंगिया में रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है ए एफ का लेकिन उसके बावजूद ए बहुत कम चांसेस है अनलाइकली है कि ए गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएगी क्यू, क्यू क्यों क्यों कम चांसेस है क्योंकि कोई पार्टी चाह नहीं रही है उसके साथ कॉलिशन लेड बनाना ठीक है क्योंकि तो हमने पढ़ा कि आइसोलेट करने का कोशिश किया गया है तो आइसोलेट कैसे करने की कोशिश किया गया कि उनको पॉलिटिक्स में आने ही नहीं दिया जा दिया जा रहा है ठीक है पॉलिटिकल जो सिनेरियो है जो इन्वायरमेंट है उसमें ए को आने ही नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ काम करने को रेडी ही नहीं हो रही है बट दिस स्ट्रेटजी माइट फेस चैलेंजेस लेकिन जो ये स्ट्रेटजी है उनकी कि आइसोलेट करके रखेंगे एएफडी को ये मे बी ये अच्छे से वर्क ना करे मे बी चैलेंजेस आए इसमें भी द एएफडीज राइज़ हैज ऑलरेडी पुश्ड जर्मनीस जर्मनीस पॉलिटी टुवर्ड्स द राइट जो एएफडी का जो राइस हुआ है जो पॉपुलैरिटी हुई है उससे जर्मनी की पॉलिटी ऑलरेडी चेंज हो गई है और राइट के राइट की तरफ जा रही है जो जर्मन में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ऑलरेडी राइट की तरफ जाने लग गया है विथ इवन द सोशलिस्ट टेकिंग टफर लाइन ऑन इमिग्रेशन और कैसे पता चल रहा है हमें कि सोशलिस्ट जो है वो भी एक टफर लाइन ले रहे हैं इमिग्रेशन पे मतलब एक attitude, एक एटीट्यूड स्ट्रिक्ट मेजर ले रहे हैं इमिग्रेशन पे तो ये क्या शो कर रहा है कि EFD की पॉपुलैरिटी जो शो हो, हो रही है उससे जो लोगों में ये दिख रहा है कि लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं उन पार्टीज को जो इमिग्रेशन के अगेंस्ट है एंटी स्टेब्लिशमेंट पार्टीज को तो ये चीज क्या है इससे बाकी की पार्टीज भी इस तरह के अप्रोच

चाहे उसको गवर्नमेंट में आने दिया जाए या ना दिया जाए वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है एंड इफ इट कंटिन्यूज टू ग्रो इन पॉपुलैरिटी और अगर इसकी पॉपुलैरिटी ग्रो होती रही इट इज़ एक्सपेक्टेड टू फिनिश फर्स्ट इन ब्रांडनबर्ग दो स्टेट्स तीन स्टेट्स की बात हो गई की गई थी दो स्टेट्स में इलेक्शन हो गए थे ऑलरेडी तीसरे में होने हैं तो जहाँ पे होने वहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ भी सबसे ज़्यादा वोट्स ए को ही मिलेगा वहाँ भी वो फर्स्ट ही करेगी ठीक है तो इससे क्या है कि अगर इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती रही इवन द पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी विल कमन तो ये जो पॉलिसी उन्होंने बना रखी है कि इसको पॉलिटिकल uh, जो उनसे uh, दूर रखेंगे अपने को आइसोलेट करके रखेंगे वो भी स्ट्रेसफुल हो जाएगा वो भी कंटिन्यू कर, करना मुश्किल हो जाएगा टू चेक द राइज ऑफ द राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स देंट पार्टीज स्पेशलीशन सुड बी माइंडफुलर सेंटीमेंट एक्सट एंड अब अगर यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि अगर ये जो पॉपुलरिटी बन रही है एक्स्ट्रीमिस्ट एक 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 की ठीक है अगर इनको चेक करना है इनको कंट्रोल करना है लिमिट करना है तो जो इस्टैब्लिशमेंट पार्टीज हैं जो कि अनपॉपुलर है स्पेशली मिस्टर कॉल की जो कोलिशन है जिन्होंने काफ़ी खराब परफॉर्म किया तो मतलब अनपॉपुलर है उनको अवेयर रहना होगा माइंडफुल रहना होगा किस चीज़ के कि लोगों में सेंटिमेंट्स क्या है लोगों का एटीट्यूड क्या है ओपिनियन क्या बन रहा है क्या उनकी वर्डीज है डिमांड्स क्या है उन पे वर्क करना होगा उनको द वॉर इन यूक्रेन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द जर्मन इकोनॉमी विच फेल इन टू अस्ट ईयर आर टेकिंग जर्मनी जो यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है ठीक है और उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है जर्मन इकॉनमी पे ये जर्मनी को बहुत नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है बहुत ख़राब तरह से डैमेज कर रहा है ठीक है क्योंकि जर्मनी लास्ट ईयर रिसेशन में भी चला गया था जर्मन की इकॉनॉमी बर्लिन शुड वर्क टुवर्ड एंडिंग द वॉर बर्लिन को वर्क करना चाहिए कि वॉर ख़त्म करे टैकलिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है कंट्री में उसको सॉल्व करे उसको एड्रेस करे एंड एड्रेसिंग वर्किंग क्लास कंसर्न और जो वर्किंग क्लास है जो वर्कर्स हैं जो इंप्लाइज हैं उनके जो कंसर्नस हैं उनके लिए उन कंसर्नस को सॉल्व करने की कोशिश करें अनलेस द अंडरलाइंग कंडीशन डेट द फार राइट एक्सप्लॉय एस जब तक उन कंडीशन को जिन कंडीशन का यूज करके फार राइट right, जो राइट एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज है एडवांटेज ले रही है पॉपुलरिटी ले रही है जब तक कि उन कंडीशन को सॉल्व नहीं किया जाएगा एड्रेस नहीं किया जाएगा मिया पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी माइट नॉट हेल्प इन स्टॉलिंग द फाराइट राइज इन जर्मनी तो सिर्फ पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी वाला एटीट्यूड रख के इनको पावर में नहीं आने देंगे पॉलिटिक्स में नहीं आने देंगे काम नहीं करने वाला है नहीं रोक पाएगा जो फाराइट right का राइज हो रहा है जर्मनी में जर्मनी वहाँ जहाँ वे मेमोरीज ऑफ द नाजी वॉयलेंस आर स्टिल फ्रेश वो जर्मनी जहाँ पे नाजी जो का जो वॉयलेंस था उनकी जो मेमोरीज है अभी भी ताजा है ठीक है ये रहा ऑथर ने आपने देखा क्या फैक्ट्स का इंफॉर्मेशन क्या ओपिनियन रखा है अगर हम बात करें तो एनालिटिकल टोन है ऑथर की एनालाइज किया उन्होंने सिचुएशन बताया है कि आ, क्या करना चाहिए जो अभी की जो पार्टीज है जो पॉपुलर नहीं है उनको क्या करना चाहिए कि जो फार्ला एक्स्ट्रीमिस्ट है उनका जो राइस हो रहा है पॉपुलैरिटी में वो रोका जा सके ठीक है अब आते हैं हम क्वेश्चन पे हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी तो दो बातें हुई थी एक तो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोलना अटैक करना सेकेंड क्या था कि उनका एक हार्डलाइन ने इमिग्रेशन की तरफ जिन इन दोनों के

आई एफ का जो राइज हो रहा है ईस्टर्न जर्मन स्टेट्स में अ गवर्नमेंट इन कम नहीं चांसेस कम होने के फॉर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएगी बावजूद इसके कि उसको काफी अच्छा वोट मिला है क्योंकि कोई पार्टी उसके साथ वर्क करना ही नहीं चाहती हमने पढ़ा नो पार्टी इज विलिंग टू ज्वाइनिशन लेड बाई द ए बाकी के सारे गलत हो गए क्योंकि ये तो सिंपल एक्सप्लेटली है पैसेज में ठीक है कुछ भी इन्फॉर नहीं करना है इसमें इनडायरेक्ट तो था नहीं वट ब्रॉडर पोलिटिकल इम्पैक्ट लैंडस्केप जो राइज हो रहा है ए एफ डी का तो उसका एक ब्रॉड इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है जर्मन की पोलिटिकल इन्वायरमेंट पे तो हमने पढ़ा कि कैसे राइट right के साइड मूव कर रही है ठीक है द ए एफ डी हैज़ ऑलरेडी पुस्ट जर्मनीज पॉलिटिक्स टॉर्ड द राइट राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है जो जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी राइट होती जा रही है जर्मन पॉलिटिकल जर्मन में पॉलिटिक तो उसी को आंसर हम मार्क करेंगे तो जर्मन पॉलिटिक्स राइट की तरफ शिफ्ट हो गई है जर्मनीज का प्रो यू, यू स्टैंड तो बात ही नहीं हुआ है तो इट इट हैज स्ट्रेंथन जर्मनीज प्रो यू स्टैंड की बात नहीं करेंगे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज की भी बात नहीं हुई है कि इससे स्ट्रॉग हो गई इन्वायरमेंटल पॉलिसीज या इससे इंक्रीज हो गया मिलिट्री सपोर्ट नहीं बिल्कुल भी नहीं और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कोलैप्स हो गया ये भी नहीं हुआ तो आंसर क्या आपका पहला किससे जर्मन की पॉलिटिक्स राइट साइड की तरफ मुड़ रही है आ रही है तो ये था आज का आर्टिकल ठीक है हमने वो कैब डिस्कस किया हमने आर्टिकल को पढ़ा समझा उस पर आरसी आर के क्वेश्चन भी कर लिए आपका कोई भी डाउट हो इस सेशन को लेके आप प्रीवियस सेशन को लेके आर के क्वेश्चंस को लेके वो कैबलरी को लेके या इन जनरल इंग्लिश सेक्शन को लेके जो बैंक एग्जाम्स में आता है तो आप यू कैन यू शुड फील फ्री टू शेयर योर डाउट्स विथ मी इन द कॉमेंट सेक्शन आप मुझसे शेयर कर सकते हो साथ ही अगर आपके कोई सजेशन है कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी शेयर कर सकते हो अब मैं मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो और मॉक लगाते रहो मॉक को एनालाइज करो और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहो ठीक है चलिए टाटा आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन